नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में पति पत्नी और पुत्र के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जिन पर मनुष्य को सदैव नजर रखनी चाहिए, अर्थात ऐसे लोगों पर छिपकर नजर रखकर उनकी परख करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने स्वभाव के कारण किसी भी अनर्थ को निमंत्रण दे सकते हैं। पराया व्यक्ति अगर विश्वासघात करे तो व्यक्ति को उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब उसके अपने ही उसके साथ विश्वासघात करें तो मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट होता है। इसी कारण से हर व्यक्ति को चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं, जब स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने का वचन देते हैं, लेकिन आजकल देखा जाए तो पति पत्नी का रिश्ता एक खेल बनकर रह गया है। पल में जुड़ जाता है और पल में ही टूट जाता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर पति पत्नी अपने रिश्तों को तोड़ने लगते हैं। दोस्तों, आजकल की महिलाएं पति के होते हुए भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाए रखती हैं, यानी अपने पुराने प्रेमी के साथ पति की पीठ पीछे शारीरिक संबंध बनाती हैं। ऐसे में अगर पुरुष का स्वभाव मूर्ख और मंद बुद्धि वाला हो तो उसकी पत्नी अपनी मन मर्जी से व्यवहार करती है और विवाह के सभी बंधनों को तोड़कर एक उल्टा यानी चरित्रहीन स्त्री की तरह पराय मर्दों के संग काम वासना में तृप्त रहती है। लेकिन दोस्तों, केवल महिलाओं को दोष देना उचित नहीं है। आजकल समाज में ऐसे पुरुष भी मौजूद हैं जो पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। विवाह के पश्चात व्यक्ति को अपने जीवन साथी के लिए वफादार रहना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार पड़ सकती है। दोस्तों, इसीलिए आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्त्रियों के ऐसे लक्षण बताए हैं। अगर आपको भी अपनी पत्नी में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप ऐसी स्त्री पर छिपकर नजर रखें, क्योंकि महिलाएं अपने अवैध संबंध छिपाने में माहिर होती हैं और वो तरह तरह की माया जानती हैं और अनेक प्रकार से अपने पति को भ्रमित करती हैं। दोस्तों, ऐसी औरत जब अपनी सीमा लांघती है तो पति को विष खिलाकर मार देती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी के चाल चलन पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किन लोगों पर आपको छिपकर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री और पुत्र पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालची स्त्री या लालची पुत्र कभी भी आपका साथ छोड़कर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य जी ने आगे बताया है, अगर पत्नी और पुत्र आपका विश्वास पात्र बन जाए तो उसके सामने विश्वास रखने का केवल ढोंग करें और छिपकर उसके कार्यों की निगरानी करते रहें, अर्थात वो आपके पीठ पीछे आपके विषय में क्या सोचते हैं उसका हमेशा ध्यान रखें। आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास ना करें। इसलिए पत्नी के विषय में व्यक्ति को यही ढंग अपनाना चाहिए। पत्नी आपके सामने कैसा व्यवहार करती है और आपकी पीठ पीछे कैसा व्यवहार करती है, इस पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पत्नी अगर अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हो तो उस पर छिपकर नजर रखनी चाहिए। अगर पत्नी पति की पीठ पीछे बुराई करती हो तो वो पत्नी मौका मिलने पर रास्ता भटक सकती है, क्योंकि चरित्रवान स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। अगर आपकी पत्नी चरित्रहीन है और आपसे बातें छिपाती है तो उस पर छिपकर नजर रखें और ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उल्टा यानी चरित्रहीन स्त्री अपना स्वभाव कभी छोड़ नहीं सकती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।